हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ ऋतु शर्मा और आप सभी का स्वागत है बीम यूपीएससी जानने पे। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सेशन जो है स्टार्ट हो गया, ऑडियो वीडियो में कोई भी इशू नहीं है। कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, और आज हम पढ़ेंगे आपका लर्न थ्रू मैथ्स का पहला लेक्चर। ध्यान रखिएगा मंडे टू फ्राइडे आपकी जो है ये क्लासेस रहेंगी शाम को 9 बजे, ठीक है। तो टाइमिंग्स पता चल गई हैं, तो चलिए अनअकैडमी के बारे में जानते हैं। अनअकैडमी एक लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स आप वो अवेल कर सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे यूट्यूब पे हम जो है पूरे कोर्सेज नहीं करवा पाते, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हम नहीं जानते कि कौन सा व्यूअर जो है यूपीएससी का है, आपका एसएससी का है, या उसका क्या गोल है आगे जाके। बट ऑन प्रॉपर स्ट्रक्चर आप जो है विद प्रॉपर कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी पे आप जब विजिट करोगे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो गाइज एक बारी जल्दी से प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स पे, ताकि सभी लोग जो हैं जल्दी से जल्दी जुड़ सके, तभी हम जो है डिस्कशन कर पाएंगे, है ना, तभी अच्छा लगेगा। तो ये वाली जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दीजिए, अनअकैडमी अंडरस्कोर ऋतु शर्मा है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए जाके, एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है। आपको कोड याद रखना है ऋतु YT, ठीक है। तो आप कोड यूज़ करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ जो है आप जब मेरा कोड यूज़ करेंगे तभी जो है हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो जाता है कोई बात नहीं, स्टिल आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट। तो आपको जो है जल्द से जल्द unacademy.com पे विजिट करना है और एक बार चेक करने हैं जो नए कोर्सेज आपके लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। सो कॉम्बैट आपका एक होने वाला है, और कॉम्बैट 28 फरवरी 11 बजे होगा ये। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है गाइज, आप किस प्रकार से इसको देखते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन या स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे यू कैन मैसेज मी इन केस कोई भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो सुजीत, रोहित, अब्स्ट्रैक्ट, चिराग, कैसे आप सभी लोग, हेलो अनिल। सो प्लीज़ एक बारी रिक्वेस्ट है सबसे, एक बारी शेयर कर दीजिए ऑन द टेलीग्राम चैनल गाइज। ओके, सो स्टार्ट करें, एक बारी जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप सभी लोग रेडी हो तो। ध्यान रखिएगा ये जो आपकी सीरीज होगी मंडे टू आपकी फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे रहेगी आपकी 9 बजे, ठीक है। और 10 बजे आप सभी को पता है 12 मिनट्स में 12 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज फिर से हर दिन, ठीक है। मंडे टू संडे आपकी 10 बजे वो सीरीज़ रहेगी। तो ये दो सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, और इससे आपको देखना बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, राइट, एंड बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे ज़रूर इसको अटेंड करें। और सुबह की क्लासेस नहीं हो पाई थी, मैंने आपको कारण टेलीग्राम पे बताया था, ठीक है। तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स आज के हैं वो आप दिक्कत मत कीजिएगा, कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे इन द सेशंस। हेलो सौरभ, सो लेट स्टार्ट गाइज। एक बार रेडी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोग रेडी हो, और फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी रामसर साइट्स। पहला लेक्चर मैंने आपको जो है टाइम टेबल दिया था, तो उस टाइम टेबल में पहला हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट्स होती क्या है, वेटलैंड्स, ठीक है। आप देखो वेटलैंड्स क्या होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है। देखो यहाँ पे आप मान लीजिए दिस इज योर वाटर एरिया, ठीक है, एक मान लीजिए, और ये है आपका लैंड एरिया। अब वाटर और लैंड कहीं पे तो आपके मिलते होंगे, तो उसी एक ट्रांजिशन जोन को आप कह सकते हो, राइट, हम क्या कहते हैं, वेटलैंड। अब होता क्या है, इस एरिया में आपका देखो पानी भी है और यहाँ पे लैंड एरिया भी है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, राइट, बहुत ज़्यादा आपकी पाई जाती है, बहुत ही आपका रिच एरिया होता है। क्योंकि देखो एक कोई मान लो एक एनिमल है, राइट, जो आपका लैंड पे आपका रहता है, बट साथ में ही अगर पानी भी होगा एक्सेसिबल तो उसकी डाइवर्सिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये जो ट्रांजिशन जोन है बहुत ही हाईली बायोडाइवर्सिटी इसमें होती है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो
आपका ये डिसाइड किया गया राइट 1971 में कि एक कन्वेंशन लेके आते हैं और इसे एक इंटरनेशनल ट्रेटी बनाते हैं राइट, जहाँ पे हम वेटलैंड्स को पूरी दुनिया में जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ये जो रामसर नाम रखा गया है ये आपकी एक ईरानियन सिटी है, इसका नाम है रामसर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ईरान में ही आपकी 2 फरवरी 1971 को ये साइन की गई थी। ठीक है, फिर आपका 1 फरवरी 1982 में ये आपकी चालू हो गई थी, तो इसमें वही आपका लिखा है ऐसी सारी वेटलैंड्स जिनका महत्व आप कह सकते हो पूरी दुनिया के लिए और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और जिसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है राइट, इसीलिए ये आपकी कन्वेंशन बनाई गई है। आपका एक व्हाट हैप, एक बार जल्दी से कमेंट करना, यहाँ पे एक ऐसा हुआ कि कुछ बफरिंग हो रही है, कुछ इशू है गाइज, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है ना सब ओके। तो देखो एक बार बताते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है गाइज, ठीक है ध्यान से सुनना इस बात को, 2 फरवरी को जो है आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब 2020 की थीम वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थी, ठीक है सो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी थी आपकी। उसके बाद आता है हमारे देश में, इंडिया में बात कर रही हूँ मैं, इंडिया में हमारी 42 अभी प्रेजेंटली 42 है, हाल ही में आपकी एक और साइट जो है ऐड की गई है उसको मिला के अब हमारे पास 42 टोटल वेटलैंड्स हैं राइट, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आपकी थीम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 2020 की बताई थी अभी तो 21 की आपको बतानी है, 2 फरवरी को जो है आपका ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है गाइस, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन बी, ओके ना बी ठीक है ना सी ठीक है और चिराग प्रतीक, एक और गेस मैं आपको देती हूँ, चलो जल्दी से बताओ, रीसेंट साइट नहीं, आपके लोनार लेक नहीं है गाइस, इसका करेक्ट आंसर है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, समझ सॉरी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी थी आपकी 2020 की गाइस, तो जो आप बी बोल रहे हो 2020 है, 2021 की रखा गया है आपका वेटलैंड्स एंड वाटर। तो बेसिकली आपको पता है पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे वेटलैंड के साथ साथ पे पानी को भी ध्यान रखा जाए उसकी प्रोटेक्शन उसकी कंजर्वेशन पे, इसीलिए आपकी ये थीम रखी गई है। ठीक है, सो यस सिड मोहंती उन्होंने सही बोला है वेटलैंड्स एंड वाटर, ओके। अब इसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पढ़ते हैं ये क्या है, देखो एक रजिस्टर होता है आपकी क्लासेस में अटेंडेंस देते होगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा होता है प्रेजेंट एब्सेंट राइट, तो ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है इसमें आपकी रामसार लिस्ट होती है। अब रामसार लिस्ट मतलब ऐसा है कि क्या सारी रामसार लिस्ट होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसी वेटलैंड जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा आपके खराब सिचुएशन पे है और जिसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की अभी ज़रूरत है, तो उसको इस लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर ये ठीक हो जाती है, लेट्स से आपका एक थी लोकटाक लेक, ठीक है आपकी 1990 में जो है ये मॉन्ट्रिक्स रामसार साइट बनी, ठीक है मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड्स में आपका 1993 में गई, ठीक है सो बाद में क्या होता है कि जैसे अगर रिकवर करती रहती है तो आप वापस भी बाहर आ सकती है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से, तो बेसिकली इमीडिएट चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपका ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हमारे देश में अभी जो है केओलादो नेशनल पार्क याद रखना और लोकटक लेक जो है हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, समझ गए आप मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, तो कोई भी दिक्कत तो आप मुझे बताना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है चिलिका लेक पहला जो है हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पहली वेटलैंड आपकी थी जो रामसार लिस्ट में ऐड की गई थी। ठीक है चलिए 1993 में ऐसा आपका हुआ था आप देख सकते हो और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको बेसिकली 1993 में जो है ऐड किया गया था। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जाके रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड 2002, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गाइज क्वेश्चन पूछा जाए कोई ऐसी आपकी वेटलैंड बताइए जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था और बाद में जो है उसको रिमूव कर दिया गया, तो वो कौन सी है, एक चिलिका लेक है। ठीक है तो चिलिका ये जो आप डेटा यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है
ये पूरा का पूरा डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी गुड इन दिस, वी विल सी वन बाय वन। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में, मैप है आपका उड़ीसा, राइट, ये है आपकी पूरी चिल्लिका लेक। तो उड़ीसा में आपका ये लेक है, इसमें इसके कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। ये एक लगून है, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट, दिस इज अ लगून सराउंडेड बाय योर लैंड एरिया, ठीक है। सो लगून होता क्या है, जैसे मान लो कि सी है ये पूरा, ये दिस इज योर ओशियन, ठीक है, तो उसका छोटा सा भाग यहाँ पे होता है, उसको हम बेसिकली लगून बोलते हैं। ओके, सो बात आती है नेक्स्ट, आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। ये आपका लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड, समझ गए, इन भारत का सबसे बड़ा लगून है ये। अब बात करते हैं चिल्लिका लेक जो है आपकी फर्स्ट, भारत की पहली वेटलैंड थी तो रामसर के अंदर ऐड किया गया था, समझ गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे आपकी इरावडी डॉल्फिन, राइट, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के अंदर, वो आपकी पाई जाती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यस, लार्जेस्ट भी यही है, बिल्कुल सही है चिराग, ठीक है। तो समझ गए आप सभी लोग, ऐसे ही सारी जो आपकी वेटलैंड्स हैं वन बाय वन करके उनकी इंपॉर्टेंस, वहाँ पे स्पीशीज, राइट, और क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको हम याद करते जाएंगे। आगे आता है आपका क्योलादो नेशनल पार्क, मैंने अभी आपको बताया था ये आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है अभी, ठीक है, राजस्थान में आपका ये पाया जाता है। उसके बाद ये फेमस है, हिरियन क्रेन पाई जाती है। फैक्ट्स पे आते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे मैप में, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज योर क्योलादो नेशनल पार्क, ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। सो आपसे जो है इससे मैप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसके नॉर्थ में क्या है, ठीक है, इसके आपका साउथ में क्या है, इसके आपके ईस्ट में क्या है, आपका वेस्ट में क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे आपका सरीसका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आसपास लिखी हुई हैं। एंड नेक्स्ट हम आते हैं इसी के कुछ फैक्ट्स पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स वेरिंग इन साइज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो नेशनल पार्क है इसमें छोटे छोटे जो आपके जो है लगून्स हैं, अभी पढ़ाया था मैंने। सो वेजिटेशन इज अ मोज़ाइक ऑफ स्क्रब एंड ओपन ग्रासलैंड, सो बेसिकली यहाँ पे जो है ग्रासेस, ग्रासलैंड जो है वो बहुत पाई जाती हैं, और आपके माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। इन्वेजिव ग्रोथ ऑफ ग्रास, ये है आपकी ग्रास, ठीक है, इसे बोलते हैं आपका पास्पलम, ये आप देख सकते हो इमेज मेरे पीछे है जस्ट, ठीक है, तो दिस इज पास्पलम ग्रास है ये, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी पाई जाती है। उसके बाद आपकी साइबेरियन क्रेन, ये आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज साइबेरियन क्रेन जो वहाँ पे आपकी पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना ये आपका जो पार्क है, ठीक है, उस वो फेमस किसके लिए है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और ग्रासेस के लिए, ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे, नहीं समझ में आ रहा है तो बीच में बता देना। बफरिंग इशू है यार मेरे यहाँ से, तो बिल्कुल भी इशू नहीं लग रहा मुझे, अगर एक बार रिफ्रेश कर लो आप सभी। ओके, फिर आते हैं वुलार लेक, बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है और आपने क्वेश्चंस खुद देखे होंगे और इस पर डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आने वाले फ्यूचर में भी आ सकते हैं। और ये जो पूरी क्लास हो रही है कोई सिविल सर्विसेज के लिए पर्पज से नहीं हो रही है, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे SSC हो, चाहे आपका रेलवेज, IBs, CDS, CAPF, NDA, एवरी एग्जाम जिसमें भी आपका GS है, ठीक है, एनवायरमेंट है, वहाँ पे आपको ये पढ़ना है। अब देखो वुलार लेक आपको दिख रहा है, ये आपका POK रीजन है और ये है आपका हमारा इंडियन कंट्रोल कश्मीर, वहाँ पे है आपका एक छोटा सा वुलार लेक, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसकी खासियत है ये आपका यहाँ पे वाटर चेस्टनट्स पाए जाते हैं। अब ये वाटर चेस्टनट होते क्या हैं, मतलब आपने सोच रहे होगे कि ये कौन सा इंग्लिश का नाम आ गया, आप सभी ने देखे होंगे, आपने डेफिनेटली खाए भी होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग के लिए, पर्पज़ के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज। आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इसकी वेजिटेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ओके मैम, नोट्स का अवेलेबल होगा, नोट्स होगा unacademy_ritu_sharma, ये टेलीग्राम देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है गाइस। तो ये वाटर चेस्टनट होते हैं, तो खाए हैं सभी ने, जरा कमेंट करके बताना आपको लग रहा होगा यार ये क्या होता है, तो नाम पहली बार सुना, ठीक है। तो मुझे भी इसकी जो है इंग्लिश नहीं पता थी, बट यस आफ्टर लाइक रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग आई गॉट टू नो इट। तो बात है ये वाटर चेस्टनट वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं।
तो बात करते हैं यहाँ पे इनफ्लो, जो आपकी वुलार लेक के अंदर रिवर आती है वो है झेलम, और झेलम रिवर ही आपकी जाती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका वुलार लेक दिख रहा है। तो आपसे अगेन इसकी लोकेशन पे भी सवाल जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका मनसबल लेक है, ठीक है, ये आपकी रिवर देख रही है आपको, दिस इज योर झेलम रिवर। ठीक है, तो डेफिनेटली झेलम रिवर रिवर पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वुलार लेक जो है आपका, इसकी रिवर बेसिन का नाम बताओ। ठीक है, रिवर बेसिन का आप जो नाम बताइए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, झेलम। गाइस आप चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है, और अब ये PDF तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको कहूँगी कि अपने शब्दों में आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि रिवर बेसिन आपसे कैसे पूछी जा सकती है, इसकी लोकेशन, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के आगे आप देखोगे आपका यहाँ पे मरसबल लेक है, उसके बाद आपका अंचर लेक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये आपका दल लेक है, ठीक है। तो आई गेस दिख रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, सो वाटर चेस्टनट, क्योंकि मेरे को आपकी जो है सेहत का बहुत ख्याल है, तो ये होते हैं बिल्कुल ही फैट फ्री, लो कैलोरीज, लो सोडियम, कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो आप ज़रूर इसको जो है इस्तेमाल कीजिए अपने घर पे और खाइए, रिच इन विटामिन सी एंड आयरन। चलिए बना रखे हैं नोट्स, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकटक लेक पे आते हैं। ये एक और बात आपको बता दूँ, ये पूरे क्रोनोलॉजी से, ठीक है, क्रोनोलॉजी से सेट किए गए हैं। पहला जैसे आपका चिलिका हुआ, किलादो हुआ, ऐसे ही वन बाय वन सेट किए गए हैं, राइट, जब ये ऐड किए गए थे रामसार लिस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हेलो दीक्षा, ओके, लोकटक लेक पे आते हैं गाइस। ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये अगेन इरिगेशन डोमेस्टिक यूज के लिए, ये आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको ऐड किया गया था, ये पीछे पड़ा था 1993, तो यहीं से जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपका लोकटक लेक है 1993 में ऐड किया गया था, और अभी पीछे हमने पढ़ा है किलादो नेशनल पार्क। तो ये देखो आपका है लोकटक लेक, ये छोटा सा लेक जो आपको दिख रहा है दिस इज। अब अगेन इसकी जो है आपकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, आपका इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे कब ऐड किया गया, 1993। तो इसके नॉर्थ में आपका क्या है, मणिपुर, नागालैंड, इसके वेस्ट में क्या है, असम, यहाँ पे आप देखोगे साउथ वेस्ट में मिजोरम, और यहाँ पे इसके ईस्ट में आपके क्या है, म्यांमार। अगेन आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो समझ गए आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा अब इसकी लोकेशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, इस पर भी आपका एक सवाल बन सकता है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं लोनार लेक पे, ठीक है, लोकटक के बाद आते हैं लोनार लेक पे। एक इंटरेस्टिंग थी जो है इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो 50-50 हज़ार साल पहले यहाँ पे आपका हुआ था मीटियोरॉइड इंपैक्ट। अब जब मीटियोरॉइड आके गिरा यहाँ पे लोनार लेक में, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, राइट, एक क्रेटर बन गया, ठीक है। आपने सभी ने वोल्केनोस पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर आपने पता है जैसे ये क्रेटर होता है, दिस इज योर पार्ट ऑफ क्रेटर, जहाँ से बेसिकली क्या है, मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, ठीक है, समझ गए। तो ये जो एरिया है, अभी आपको दिखाती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है, तो बने रहना, ओके, समझ गए। तो बेसिकली ये हाई सलाइन और अल्कलाइन है, ये यहाँ पे वल्नरेबल स्पीशीज है, एशियन वुली नेक वो पाई जाती है, और एक और यहाँ पे एक ग्रे वुल्फ पाई जाती है। उसके बाद आते हैं, ये सेकेंड रामसार साइट है आपकी महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान रखोगे, इसके बाद आपके नंदूर मधुमेश्वर बर्ड सेंचुरी के बाद आपके महाराष्ट्र में दूसरी है, तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे स्पीशीज पे बन सकता है, और पूछा जा सकता है गाइस कि ऐसा कौन सा वेटलैंड है जहाँ पे आपका क्रेटर है, जहाँ पे आपका मीटोरॉइड इम्पैक्ट पाया गया है। देखो अब ये आप देख रहे हो, ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, एक बार दोबारा से इसको देखना ध्यान से कि ये कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन से आपका जो है ये पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। तो ये आप क्रेटर के फॉर्म देख रहे हो, तो यहाँ पे मीटोरॉइड जो है आपका आके पड़ा और ये एक क्रेटर बन गया बहुत साल पहले, ठीक है। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। ये सैटेलाइट व्यू से आपको ऐसे दिखेगा और यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है, तो गंदा सा हुआ और वहां पे पानी भर गया, तो उसका नाम है अब लोनार लेक। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखो ग्रीन से ये पिंक क्यों हो रहा है। डेफिनेटली क्वेश्चन इस पे आ सकता है और यूपीएससी जैसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका लोनार लेक है महाराष्ट्र के अंदर, आप मैप पे देख सकते हो, अगेन ये क्रेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये ग्रीन से पिंक आखिर कब हुआ, ठीक है। ये जो लिंक है, मतलब ये जो हुआ आपका जून 2020 की बात है, हाल ही की बात है। ये जो कलर आपका बदलने लगा वहां पे एक माइक्रो पाया गया, उसको बोलते हैं आपका हेलो आर्किया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बना हुआ है, राइट। तो दिस इज अ बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया, ओके। सो उसने क्या करा, इस बैक्टीरिया ने आपका पिंक पिगमेंट जो है प्रोड्यूस किया, राइट। एंड आपका जो है फिर वाटर कन्वर्जन होने लगा, समझ गए आप सभी। तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ योर हेलो बैक्टीरिया, याद रखने हैं, हेलो बैक्टीरिया की वजह से इसका कलर चेंज हुआ। दोबारा से आप देखना चाहते हो तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये ईयर का बता रखा है, ईयर वाइज कैसे कैसे डिफरेंट, मतलब टाइम में ये चेंज हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका फेवरेट कलर की हो गई ये लेक। अच्छा, मेरा फेवरेट कलर आपको कैसे पता है कि ये भाई पिंक है, सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक पे आते हैं, तो ये है आपकी सलाइन लेक। आप ध्यान से देख रहे हो कि कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है, कुछ हमारे पास सलाइन लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक राजस्थान में मिलना मुश्किल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पाए जाएंगे सलाइन लेक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट। अब बात आती है नेक्स्ट, हम यहाँ पे आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सांबर लेक जो है हमारे देश का, सब डेली क्लास होती है नंदनी, मंडे टू फ्राइडे होगी डेली क्लास, अरे एक सेकेंड, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे गाइस 9 PM। जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो बता दिया करो आप लोग भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पे, समझ गए पहला पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारे फ्लमिंगोज पाए जाते हैं, फ्लमिंगोज मैम टाइमिंग 9 बजे है नंदिनी, ठीक है, फ्लमिंगोज पाए जाते हैं। आउटफ्लोज लूनी रिवर से जो है आपकी बाहर निकलती है, आउटफ्लो होती है, समझ गए। ध्यान रखना क्वेश्चन इस पे बनेगा, क्वेश्चन फ्लमिंगोज से बनेगा। इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड मतलब क्या होता है, लैंड के बीच में, ठीक है। तो दिस इज योर लैंड, लैंड 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 एरिया, उसको बोलते हैं इनलैंड, मतलब लैंड के बीच में, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है फ्लेमिंगोस और दूसरी आपकी नीलगाय ये पाई जाती है, ठीक है। सो लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है ये, सो ध्यान रखिएगा दोनों ही स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, फिर आते हैं आपका कंजली पे, ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके आते हैं, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये आपकी बहुत ही प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है और पॉपुलर है, क्योंकि आपके जो पहले गुरु थे सिख के, श्री गुरु नानक देव जी, राइट, उनकी वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। द स्ट्रीम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द स्टेट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है, ठीक है। पहले सिख गुरु, अगेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी आपकी वेटलैंड है जो पहले सिख गुरु, गुरु नानक जी से एसोसिएटेड है, राइट, या फिर कौन से गुरु से। तो आप ध्यान रखेंगे पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव जी से, ठीक है। कौन सी है, कंजली आपकी वेटलैंड, समझ गए। अब आपको पता है इसकी लोकेशन क्या है, पंजाब में है, ओके। सो नेक्स्ट हम आते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। बाय कंस्ट्रक्टिंग द हेडवर्क्स अक्रॉस द पेरिनियल बेन रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, तो यहाँ पे जो है ये बेन, काली बेन इसका नाम है रिवर का, राइट, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की ही, तो वो आपकी इस कंजली वेटलैंड से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्टिन्यूसली ये रिवर जो है बहती रहती है, ध्यान रखोगे रिवर का नाम है काली बेन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, मैम पीडीएफ मिल जाएगी, हाँ शौर्या बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, बट ऐसा नहीं है कि पीडीएफ ही जाके पढ़ोगे, ठीक है। मैं बहुत सारे आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो सेशन को अटेंड करना, ओके। अब परमानेंट स्ट्रीम कालीबेन मैंने बता दिया, ठीक है, ये आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिकली हुआ क्या था, द
ये माना जाता है कि काली बेन रिवर में जो गुरु नानक देव जी हैं वो नहाया करते थे, ही यूज टू टेक अ बाथ ओवर देयर, राइट। सो इसीलिए उस वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध रिलीजियस डेस्टिनेशन है। चलिए ओके, ये सारी जो स्पीशीज हैं यहाँ कंजली वेटलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वीगन है, कॉमन आपका हायसिंथ, ये फ्लावर है, आगे दिखाऊंगी अच्छे से इसकी फोटो, ठीक है। ये आपकी पाई जाती है, आगे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे फिशेज भी पाई जाती हैं, ओके। सो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आपका रोपर पे, रोपर पे आते हैं गाइस। ये है पंजाब के अंदर वेटलैंड, ये आपकी प्रसिद्ध है कुछ स्पीशीज के लिए, स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉक डियर, राइट। तो ये सारी स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप रखोगे याद, इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका नाम है आपका इंडियन पंगोलियन, जो है यहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं रोपर के बारे में बात करते हैं, और ये आप देख सकते हो इंडियन पंगोलियन, इस तरह से आपका ये दिखता है, ओके। और इंडिया के आपसे ये अगेन पूछा जा सकता है कि गाइज ये कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना रोपर वेटलैंड में। मैंने आपको क्या बताया, वेटलैंड होती क्यों है, यहाँ पे आपकी हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना जरूरी है। सबसे जरूरी बात है ये ना, आपकी जो रोपर वेटलैंड है ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो ये ह्यूमन लेक्स आपने सुने होंगे, उसी प्रकार से ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ओके। सो एक और बात, ऑफ लेक एंड रिवर फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बैरेज फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर, समझ गए। तो जो सतलुज रिवर है उसका जो है डाइवर्ट किया जाता है पानी, और तब आपका जो है ये रोपर वेटलैंड बनी है, ओके। तो मैंने आपको बताया इंडियन पंगोलियन पाए जाते हैं इंडेंजर्ड आईयूसीएन के अंदर, ओके। अब बात करते हैं, ये सतलुज रिवर है, ठीक है, ये आपकी सतलुज रिवर है, और यहाँ पे ये दिस इज द एरिया ऑफ योर रोपार वेटलैंड, ठीक है। ये देखो डिस्ट्रिक्ट रोपार, रोपार सिटी, राइट। सो दिस इज द एरिया ऑफ योर रोपार वेटलैंड, समझ गए। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, ये पूरी आपकी जो दिख रही है आपको एरिया, दिस इज योर रोपार वेटलैंड। नेक्स्ट हम आते हैं आपके भोज वेटलैंड पे, भोज वेटलैंड कहाँ पे है गाइस, मध्य प्रदेश में है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे आपको नोट करना है, दो आपके टू कॉन्टिजियस ह्यूमन मेड रिजर्वायर है इसमें जो है, दो इस वेटलैंड में दो रिजर्वायर बनाए गए हैं, एक है आपका अपर लेक, ठीक है, और एक है आपका लोअर लेक। मैं अभी आपको फोटो में दिखाती हूँ तब पता चलेगा। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है ये अपर लेक, आप देख रहे हो गाइस, दिस इज योर अपर लेक, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन मेड है अपर लेक, और ये छोटा सा लोअर लेक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये दो लेक से एसोसिएटेड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगेन क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी वेटलैंड है जिसमें दो ह्यूमन मेड लेक्स हैं, मान लेते हैं, ठीक है, या अपर लेक और लोअर लेक किसके रिजर्वॉयर्स हैं, तो आप क्या बताओगे इसमें, दिस इज योर भोज वेटलैंड। ये मैं आपको एक और चीज बताती हूँ गाइस, ये ना मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है और बैठ के यहाँ पे बना रहा है। तो ये डेटा, इमेजेस, वेबसाइट, बहुत सारी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स हो गया, इमेजेस एंड ऑल, तो मेरी तरफ से आई हैव लाइक गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसको जरूर आप सेव करके रख लेना राइट, ताकि आपके फ्यूचर परस्पेक्टिव से ये यूज हो जाए, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, ओके चलिए हम सारी रामसर साइट्स को जो है ऋतुपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। हम भोज वेटलैंड पे फिर से आते हैं, भोपाल में है मध्य प्रदेश, इसके दो आपके भोज तल बोलते हैं इसे, दो लेक हैं, ठीक है, तल हो गया ऐसा मतलब हिंदी में, ठीक है, लेक है, एक है लोअर लेक और एक है अपर लेक। मैंने भी आपको बताया सबसे बड़ी बात, जो इंडिया लार्जेस्ट बर्ड है हमारे भारत की सरसक्रे, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, दो लेक्स हैं और यहाँ पे सरस क्रेन जो है पाई जाती है, इंडिया की लार्जेस्ट बर्ड। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं गाइस, ठीक है। सो क्वेश्चन जैसे मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, तो इसी बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी राइट। वो सेशन जो है मैं आपका ले लूंगी ऑन द स्पेशल क्लास, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है और यूट्यूब पे, वहाँ पे आप आसानी होती है क्वेश्चंस करने की, सो विल डू इट देयर, ओके। और अगर कोई आपका सजेशंस हो, एनीथिंग, आप मुझे बोल सकते हो, ओके। फिर आते हैं आपका दीपोर बिल पे, ये है असम के अंदर, ठीक है, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है
ओके सो यहाँ पे कुछ स्पीशीज है उनके बारे में बात करेंगे. ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड्स हैं, ठीक है. स्पॉट बिल आपकी पिलीशियन, अभी बताती हूँ ये कैसी है. ये आप देखो, स्पॉट बिल पिलीशियन, ये एक बर्ड है. लार्जली पूरे वर्ल्ड में ये थ्रेटेंड स्पीशीज है, जो हमारे देश में अभी दीपोर बिल के अंदर असम में पाई जाती है, राइट. ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, राइट. और ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर से जो है एसोसिएटेड है. उसके बाद आता है ये, इसी के पास में आपका जो है ये पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ओके तो ये आप देख सकते हो, दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, बताइए. अब इसी का चैनल एक एसोसिएट है ये दीपोर बिल से, ठीक है. तो इसी प्रकार से यहाँ का जो पानी है ये दीपोर बिल, यहाँ पे आपका ये वेटलैंड बन गया. अगेन वेटलैंड आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे है आपका लैंड और पानी से मिलके जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो बन जाता है आपका वेटलैंड. इसकी पोजीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. यहाँ पे थोड़े से एक और लेक्स के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे आपके हंसोरा लेक है, ठीक है. सो यहाँ पे आपका दाम्बी लेक है. इन लेक्स के बारे में जरूर ध्यान रखना, ये है आपका असम, ठीक है. दो चीज़ों के यहाँ पे ध्यान रखोगे, एक तो स्पॉट आपका बिल्ड पिलीशियन, ये एक बर्ड है, ठीक है. उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर से ये एसोसिएटेड है. ओके यहाँ पे आपके वाटर लिलीज, एक जायंट वाटर लिली है जिसका नाम है आपका ये यूरेले फेरोक्स, राइट. जायंट बड़े बड़े आपके लिलीज के फ्लावर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपके पाए जाते हैं. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप इस पर फोकस करेंगे. ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं आपके कोलेरू लेक पे. गाइस मैं आपके कमेंट्स पढ़ते जा रही हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे. मैम सुरुचि क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आते हैं. हाँ जी भाई, क्वेश्चन तो आते हैं. सुरुचि कैसी याद कर रहे हो, मतलब तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर आते हैं, ठीक है. आप देखो पूरे देश में 2 फरवरी को अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हमारे देश की बात नहीं हो रही, ये हर जगह की जो है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना जरूरी है बिकॉज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. तो अब आप जो है एनिमल्स, फिशेज, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ते हो, तो आप वेटलैंड से अगर पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा वो. ओके नेक्स्ट आते हैं कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश. ओके आंध्र प्रदेश सिचुएटेड बिटवीन 2 मेजर रिवर बेसिन. गाइस यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन के बीच में आपका ये कोलेरू लेक है. और यहाँ पे ग्रे पिलीशियन जो है ये आप देख सकते हो साइड में, इसकी इमेज लगी हुई है. वल्नरेबल कैटेगरी में आता है आपका ये, तो ये भी आपका पाया जाता है. ओके नेक्स्ट हम आते हैं, याद रखोगे ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है. ओके ओके यहाँ पे आप देखो, अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज योर गोदावरी रिवर. मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई अच्छा सा इसका मैप था नहीं, ठीक है. दिस इज योर कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में दिख रहा है, दिस इज योर कोलेरू लेक. ये है आपका कोलेरू, ठीक है. अब उसी के नीचे आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, ये आपका आ जाता है पुलिकट लेक, ठीक है, याद रखोगे. और इन दोनों के बीच में आपका क्या है, दिस इज योर बकिंगम कैनल, ये है आपका किनाल. चलिए समझ गए, तो पुलिकट लेक और कोलेरू लेक के बीच में है ये किनाल, कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में है कोलेरू लेक. ओके और अच्छे से देखना है तो ये देख सकते हो, दिस इज योर गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, समझ गए, उनके बीच में आपका ये है कोलेरू लेक. ओके तो ये ड्रेन कहाँ होता है आपका, ये भी पूछा जा सकता है गाइस. मानो कि क्वेश्चन आ जाए आपका कि कोलेरू लेक जो है आपका ड्रेन कहाँ पे होता है, तो बे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक है. और याद रखना गोदावरी कृष्णा के बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, स्पीशीज डिस्कस कर ली, लेक रिवर्स डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट आते हैं आपका सोमोरीडी, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, लेक है. इंडेंजर्ड यहाँ पे क्रेन्स पाई जाती हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है क्रेन्स यहाँ पे पाई जाती हैं. ओके नेक्स्ट आते हैं इसी पे, फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक लाइन, राइट. ये आपका इतनी हाइट पे ये आपका जो है सो मोरीडी, राइट, वेटलैंड स्थित है. ओके तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्रेन्स की. ये आप देख रहे हो ब्लैक नेक, राइट, काली गर्दन देख रहे हो, तो ये आपकी क्रेन पाई जाती है, ठीक है. और ये बार हेडेड गीस, ये है आपका बार हेडेड गीस जो मेरे बिल्कुल पीछे है, पीछे ही बैठा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे याद रखना. अब नेक्स्ट आते हैं आपके
नेक्स्ट वेटलैंड पे, कोई भी दिक्कत लगी हो, डिस्प्यूटेड साउथ की गंगा गोदावरी, बिल्कुल सही है, साउथ की गंगा, यस गोदावरी। एंड जी मैम, ओके मैम प्लीज़ डेली शेड्यूल बता दो। नंदिनी मैं फिर से लिखती हूँ, चलो मन अभी लास्ट में जो है, अगर आप बने रहोगे तो मैंने पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है। 9 PM मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, उसके बाद 10 बजे, अभी 10 बजे जो है इसको, इसके बाद ही एक और क्लास रहेगी गाइस। तो जब तक आपका आज 10 बजेंगे, तब तक जितने भी कंप्लीट हो पाएंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड देन विल प्रोसीड। ओके नेक्स्ट हम आते हैं केरला, सारे कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। आपका फ्रेश वाटर लेक है केरला में आपका पाया जाता है, ये आप देखो, अगर इसको और अच्छे से यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो सस्तम कोटा लेक, ये है आपका केरला के अंदर, ठीक है। यहीं पे एक और लेक है आपका कायमकुलम लेक, और ये देखो इसी के आपके नॉर्थ में आप देखोगे वेम्बानंद लेक है, ठीक है। तो ये सारे लेक है, वेम्बानंद लेक या कायमकुलम लेक, ये आप देख सकते हो, और दिस इज योर वेटलैंड जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गाइज इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉर्थ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, ठीक है, कहाँ पे आपका स्थित है, इनके बारे में ध्यान रखोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। ये केरला में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रिवर का नाम है कलादा, ठीक है, हैड अ यूनिक रिप्लेंचिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड जो आपकी यहाँ पे स्थित है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं आपकी रुद्र सागर लेक पे, टेस्ट अनिल रखेंगे, टेस्ट रखेंगे भाई रखेंगे, हम अलग से वेटलैंड्स पे जो है टेस्ट रखेंगे, वो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम पे मुझको जाके, वो कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या, मैं वहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दूंगी तो विल बी ईजी। ओके रुद्र सागर लेक पे आते हैं गाइस, ये है आपका त्रिपुरा में, ठीक है, कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। ओके तो यह फेमस क्यों है, ये फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे IUCN के अंदर स्थित एक 3 स्ट्राइप का जो है टर्टल पाया जाता है, ठीक है, रूफ टर्टल जो है यहाँ पे पाया जाता है, ये आपकी जो है फेड बाय 3 पेरिनियल स्ट्रीम और ये डिस्चार्ज होता है रिवर गोमती के अंदर, इसको आप ध्यान रखोगे। ये आप देखो यहाँ पे रिवर गोमती, इट इज़ अ रिजर्वॉयर, 3 आपके रिवर्स में पेरिनियल स्ट्रीम्स आती हैं, नॉट रिवर, स्ट्रीम्स आपकी आती हैं, और डिस्चार्ज होता है ये गोमती रिवर के अंदर। तो ये है आपका IUCN के अंदर 3 स्टाइप रूफ टर्टल जो यहाँ पे पाया जाता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, त्रिपुरा की मैं बात कर रही हूँ ये, ठीक है। इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ स्पीशीज के बारे में, आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, राइट। चलिए अब IUCN के अंदर ये, राइट, ये आप ध्यान रखोगे IUCN के अंदर रेड लिस्ट में 3 टाइप टर्टल है जो ये पाया जाता है मैम। ओके और कोई किसी का कमेंट, आप कोई क्वेश्चन आप लिख दीजिए। फिर आते हैं चंद्रताल पे, देखो एक है चंद्रताल, ठीक है, वो लद्दाख की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, हिमाचल में ये चंद्रताल है, ये राइट आपका जो है इसके वहाँ पे IUCN के रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं गाइस, ये आपकी चंद्र वैली के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में, वेस्टर्न हिमालयस में है, और नियर योर पास कुंजम पास, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक बार नोट्स बना लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंद्रा वैली, तो चंद्रा वैली हो गया, और उसके बाद हमारे पास आता है ये पास, इसका नाम है आपका कुंजम पास। ओके तो और यहाँ पे IUCN के रेड लिस्ट में आपका जो शामिल है वो पाया जाता है आपका स्नो लेपर्ड। ओके इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक गाइस, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इट सपोर्ट्स द IUCN स्नो लेपर्ड। उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड लेक ऑन द अपर चंद्रा वैली, इसमें यहाँ की रिवर कौन सी फ्लो करती है गाइस, छेनाब रिवर, ठीक है, जो 5 रिवर है उनमें से एक रिवर आपकी जो है, राइट, छेनाब रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, कुंजम पास लिखा है, और एक कौन सी रेंज में है गाइस, पीर पांजल रेंज में, वेस्टर्न हिमालयस, पीर पांजल रेंज में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, चारों पॉइंट्स यहीं से नोट कर लीजिए गाइस कि पीर पांजल रेंज में आपकी ये स्थित है, और आपका पास है कुंजम पास, आपकी जो नदी बहती है वो है छेनाब रिवर, आपकी स्पीशीज स्नो लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं, समझ गए, हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, कौन सा है, चंद्रतल वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं होकेरा पे,
होकेरा है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है ओके। ये अगेन यहाँ पे जो है स्नो ड्रेप्ड पीर पांजल रेंज में जो है ये पाए गए हैं होकेरा वेटलैंड, ठीक है। पीछे बस मैंने जो पढ़ा था उसी में आपका जो है होकेरा है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वो आपका वेस्टर्न हिमालयस में था, जिस थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में है। आगे देखते हैं इसी कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। इस फैक्ट में है कि ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका झेलम बेसिन के अंदर है, तो झेलम नदी पता चल गई आपको। उसके बाद आपको ये पता चल गया है स्नो ड्रेप पीर पांजल रेंज में आपके ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। अब यहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी वाटर स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एक वाइट आई दिख रहा है, इसकी जो आंख दिख रही है सफ़ेद आंख, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वाइट आई और वाइट आई पोचर, ठीक है। सो ये एक डक है, ओके। तो ये आपकी यहाँ पे इंडेंजर्ड वाइट आई पोचर पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखना गाइस। ये जो इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज जो है उन पे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, डेफिनेटली यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि हम केवल वेटलैंड थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। आप खुद सोचो, हम रिवर डिस्कस कर रहे हैं, लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम स्पीशीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरा, यहाँ पे फ्लोरा फोना की भी बात कर रहे हैं, तो दो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। रेणुका वेटलैंड पे आते हैं गाइस, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ओके। तो ये जो वेटलैंड है, अब यहाँ पे फ्रेश वाटर आप कह सकते हो इसको, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, गिरी रिवर है यहाँ पे, ठीक है। सो एसोसिएटेड विद गिरी नदी के साथ एसोसिएटेड है, नेचुरल वेटलैंड विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट माउंटेन्स, ठीक है। तो इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बस याद रखना फ्रेश वाटर लेक और गिरी रिवर जो है इससे एसोसिएटेड है। सब वेटलैंड्स में जो है ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। कुछ कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें जैसे मैंने डिटेल्स अलग से मेंशन करी हैं आपको, राइट, डेटा प्रोवाइड किया है, उनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट आता है आपका सुरिनसन मंसार लेक, अगेन जम्मू एंड कश्मीर से है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके। तो और हिंदू के लिए ये जो है काफ़ी एक सेक्रेड साइट है, झेलम बेसिन में जो है आपकी ये पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखोगे, ओके। फिर आगे पढ़ना क्या है, इसमें झेलम नदी के बारे में पढ़ना है, दैट इज इट, ठीक है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट हम आते हैं आपकी अपर गंगा रिवर, ये आपका इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। मैपिंग दिखा, अभी देखो अपर गंगा रिवर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। तो रिवर तो आपको पता ही है, गंगा रिवर, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये जो आपकी नदी बह रही है, इसकी लोकेशन है, ठीक है। सो अगेन इसके आसपास जो आपके ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, थोड़ा सा बस एक बार ही ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज इट। और ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं देखना, इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके रेड लिस्टेड आपकी जो डॉल्फिन है, राइट, गैंगेस रिवर डॉल्फिन और घरियाल क्रोकोडाइल IUCN के अंदर आपके दोनों ही रेड लिस्ट में है, ये पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं, घड़ियाल और आपके रिवर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, अपर गंगा रिवर के अंदर, ठीक है ओके। अपर गंगा रिवर की अगर मैं बात करूँ कहाँ पे है, सभी को पता है उत्तर प्रदेश में ये आपका है, राइट। ये शैलो रिवर स्ट्रेच ऑफ द ग्रेट गंगेज विल इंटरमिटेंट स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीप वाटर पूल्स एंड रिजर्वायर्स, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे बेसिकली वही लिखा है। IUCN का जो रेड लिस्टेड है, रिवर डॉल्फिन, घरियाल, टर्टल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, आपकी फिशेज पाई जाती हैं, राइट। यहाँ पे आपका यूकलिप्टस जो है वो पाया जाता है। मेजर थ्रेट्स जो हैं सीवेज डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इसको आप ध्यान रखना। आपको पता है हिंदू के लिए काफ़ी सेक्रेड है आपकी गंगा रिवर, तो इसीलिए ये सेक्रेड साइट भी है, ओके। फिर आते हैं नल सरोवर पे, नल सरोवर यहाँ पे है। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये है पहली बात, एक ये फ्रेश वाटर है, तो नोट्स बनाएंगे यहाँ पे, पहला आप लिखेंगे इसमें फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे, सीधा स्पीशीज पे हम आते हैं, और यहाँ पे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका नाम है सोशिएबल लैपविंग, ठीक है, राइट। सोशिएबल लैपविंग वो पाई जाती है आपकी,
और उसके साथ साथ सरस क्रेन आपकी पाई जाती है, आपकी ये मार्बल टील पाई जाती है और इंडियन वाइल्ड एस, तो ये आप देख रहे हो राइट। तो इंडियन वाइल्ड एस यहाँ पे पाया जाता है, जिसको याद रखना हम खुर भी कहते हैं राइट। तो इसको ध्यान रखना। और उसके बाद और मैं इमेजेस थोड़ी दिखाती हूँ। मैंने बताया था मार्बल, ये बहुत सारी जैसे डक्स हैं, किसी की आंखें सफ़ेद हैं, मार्बल हैं, लाल हैं। अब कितना याद रखेंगे, ठीक है, सारी स्पीशीज तो नहीं याद रख सकते डेफिनेटली, बट वेटलैंड के थ्रू जैसे हम इंडेंजर्ड पढ़ रहे हैं, जो थ्रेटेड स्पीशीज हैं उनको ध्यान रखना तो ज़रूरी है। तो इसके कुछ फैक्ट्स ये हैं गाइस, ये फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है थार डेजर्ट के अंदर। ध्यान रखोगे इसको ना, लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है थार डेजर्ट के। तो यहाँ पे जो है अभी पीछे दिखाया वाइल्ड लाइफ जो है वो आपके पाए जाते हैं, बहुत सारी आपकी ग्लोबली थ्रेटेड स्पीशीज हैं। सोशिएबल लैपविंग, मार्बल टील डाय, ये आप सामने देख सकते हो मार्बल टील डाय डक है ये, और सरस क्रेन जो है यहाँ पे पाई जाती है। ओके, तो आते हैं इसकी लोकेशन पे। और चलिए ये आप देख सकते हो, एक तो गिर फॉरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका नल सरोवर बर्ड सेंचुरी रहा, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो अब इसकी लोकेशन, नॉर्थ आपका ये वेस्ट ईस्ट साउथ लोकेशन। अब इससे पूछा जाए रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ठीक है, या फिर नल सरोवर के कोरिलेशन में आपसे पूछा जाए कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आप क्या कहोगे, भाई साउथ वेस्ट में पड़ता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, चलो याद रखोगे। नेक्स्ट हम आते हैं आपके नेक्स्ट नंदूर मध्मेश्वर, ये है आपकी दो रिवर के बीच में, दो रिवर आपकी ड्रेन होती है, एक है काड़वा एक है आपकी गोदावरी। तो ये दोनों रिवर जा रही हैं कहाँ पे, नंदूर मध्मेश्वर राइट, और वही और एज अ गोदावरी रिवर आपकी चली जाती है कहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, सबसे पहले पढ़ाया था मैंने गाइस, जल्दी से बताओ फिर कॉमेंट करके। आपकी महाराष्ट्र में दो वेटलैंड्स हैं, एक तो हो गई नंदूर, दूसरी क्या है गाइस, सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने आपको और वहाँ पे लिखा भी था कि महाराष्ट्र में दो वेटलैंड्स हैं जिसमें एक नंदूर है और दूसरी क्या है, बताइए जल्दी कमेंट करके। देखो डेक्कन प्लाटू पे है, समझ रहे हो, आपको पता ही है वैसे तो पेनिनसुलर आपका जो रीजन है ये पूरा राइट, यहाँ पे आपका डेक्कन प्लाटू पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में ही आपका जो नंदूर है वो है आपका डेक्कन प्लाटू। ओके, ये कॉन्फ्लुएंस किसके कॉन्फ्लुएंस में बनती है, ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखो गोदावरी और काडवा रिवर, बिल्कुल सही है यहाँ पे प्रीतम और चिराग और एब्स्ट्रैक्ट लोनार लेक, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई नंदूर। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम एनीथिंग लेट मी नो, समझ गए। अब डेक्कन प्लाटू पता चल गया, हमें पता चल गया दो रिवर हैं भाई, उनके कॉन्फ्लुएंस, एक है गोदावरी और एक है काडवा। पीछे दोबारा देख लो, काडवा गोदावरी, ओके दोबारा देख लो एक बारी, काडवा रिवर और फिर आपकी यहाँ पे गोदावरी बेसिन हो गई है, ठीक है, यहीं से आपकी गोदावरी रिवर आ रही है। तो ये दीज आर बेसिकली योर थीमेटिक मैप्स, ठीक है, बहुत सारी जगह आपको GIS मैप भी मिल जाएंगे पर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, ये अगेन आपकी ये सारे जो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, दिस नंदूर मध्मेश्वर, उसी की आपकी ये सारी इमेजेस हैं। ओके और कोई दिक्कत, यहाँ पे सरसई नवार झील पे आते हैं, ये एक मार्श है, मार्शी आप प्लेस कह सकते हो, वेटलैंड मोस्टली आप देखोगे मार्शीज ही होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर हो गई, कुछ सलाइन हो गई, कुछ मार्शीज हो गई, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में आपकी ये पाई जाती है इंडो गंगेटिक फ्लड प्लेन के अंदर। ओके फिर आते हैं ये, इस पर हमें क्या याद करना है, वल्नरेबल सरस क्रेन जो है यहाँ पे पाई जाती है। देखो सारी इन्फॉर्मेशन है, छोटा छोटा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब इसके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये एक परमानेंट मार्श है, जैसे हर चीज़ में हम पढ़े फ्रेश वाटर सलाइन, ये मार्शी लैंड्स है, ठीक है, दलदल। अब बात करते हैं यहाँ पे, इट इज़ एन एग्जाम्पल कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, तो बेसिकली आसपास ही आपके जो है ह्यूमन लोग भी रहते हैं, वहीं पे आपका वाइल्ड लाइफ भी है। तो साइट नेम इज डिराइव फ्रॉम लार्ज नॉन माइग्रेटरी सरस क्रेन, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, सरसई नवर झील। सरस क्रेन जो है यहाँ पे पाई जाती है गाइस,
अब बाय बैक्टीरिया लोनार लिंग, बिल्कुल सही है, पिंक हो गई, समझ गई, मैं समझ गई पवन सुजीत, समझ गई लोनार लेक आपसे पूछा गया था, महाराष्ट्र की सेकेंड। चलिए अदर थ्रेटेंड, अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है बिल्कुल अलर्ट हो। थ्रेटेंड स्पीशीज पे आते हैं गाइस, यहाँ पे क्रिटिकली वाइड ड्रम वल्चर होती है, ठीक है, वो आपकी पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद वुली नेक स्टॉक, और उसके साथ साथ मैंने इस बार जो है आपको एक यहाँ पे रिलीजियसली अगर यहाँ पे देखें तो एक टेम्पल है, हजारी महादेव टेम्पल, वो बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है वहाँ पे, राइट। सो इसीलिए बहुत पॉपुलर है, और एक पिलग्रिम साइट भी है वहाँ पे ये, ठीक है, हजारी महादेव टेम्पल। हो सकता है पूछा जाए वैसे टेम्पल के बारे में जो है, अनटिल अनलेस बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल ना हो, बहुत जो है चांसेस कम है, तो इसलिए टेम्पल के बारे में याद जरूर रखना, बट ये थ्रेटन स्पीशीज के बारे में भी ध्यान रखना। और इसका नाम क्यों पड़ा है, ऐसा क्यों पड़ा है, क्योंकि आपका ये सरस्क्रीन की वजह से, ये है आपकी झील। अब ये मार्शी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दलदल टाइप, इसीलिए इसको बोलते हैं हम मार्शी। ओके, अब बात करते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के बारे में। ओके, शैलो मार्श लैंड 45 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, मानसून रेन्स फीड दिस डाइवर्स वेटलैंड। ये लास्ट हमारी रहेगी गाइस, क्योंकि आपको पता है 10 बजे हमारा लेक्चर है, इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे आपके स्पेशल क्लासेस में, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, क्योंकि हमारा एक स्केड्यूल बना हुआ है, ठीक है, इसको पहले हम इसके बाद एंड करते हैं। पहले बात इसको मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे यही इजिप्शियन वल्चर, पलाश पलाश आपकी फिश है वो पाई जाती है, वुली नेक्ड आपकी स्टोक यहाँ पे पाई जाती है, माइग्रेटरी बर्ड जो है यहाँ पे बहुत पाई जाती है आपकी। ओके, और यहाँ पे जो नाम रखा है, इट वॉज रीनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इन 2015, ये भी आप याद रखोगे। और ये है आपका फ्लावर, इसको बोलते हैं हाइसिंथ, एक्वाटिक प्लांट है ये, कॉमनली नोन एज कॉमन वाटर हाइसिंथ, ये आपका यहाँ पे बहुत पाया जाता है। ओके, देखो ये है नवाबगंज, यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश, कानपुर आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे कानपुर से हो, है कोई यहाँ पे कानपुर से उत्तर प्रदेश से, तो उसको पता होगा भाई नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समझ गए, तो इसको ध्यान रखना। अब ओके, ये लास्ट पढ़ते हैं नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ओके, मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ आपके टाइम टेबल पे, और ये देखो आप देख रहे हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, न्यूज़ में भी पढ़ेंगे हम। अब आपसे एक सवाल मेरा ये है कि इसको कंटिन्यू करना है ये, क्योंकि टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, टाइम टेबल बनाया है, 9 बजे क्लास होगी, 10 बजे दूसरी है, तुम्हें 10 बजे अभी दोबारा अटेंड करनी है गाइस। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, रामसर साइट्स पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक है, आपकी 22 है ना आज, सॉरी 22 22, ये हमारा 20 को कुछ हुआ था, एनीवेज 22, इसको 23, 24, 25 कर लेना, एक एक डेट आगे, ठीक है, तो समझ गए, रामसर हम बढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क्स आपका जो है कल होगा, तो मुझे बस ये बता दो कल इसी को कंटिन्यू करना है या स्पेशल क्लासेस में इसको कंटिन्यू करें। वीकली टेस्ट रखेंगे यार, मैं वैसे भी आपको क्विजेस कितनी करवाती हूँ, मतलब कितने क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं, प्लीज मैम नाइट में क्लास होती है। ओके, और कुछ जल्दी कमेंट करके बताओ गाइज, कंटिन्यू इसको यूट्यूब पे करना है या अगले दिन कंटिन्यू करना है। अच्छा, इसको ध्यान ध्यान रखिएगा गाइज, जो इसका कंटिन्यू सेशन होगा, ठीक है, कंटिन्यू सेशन विल बी ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे जो है अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो अपना ध्यान रखें। ओके, सो याद रखना, कंटिन्यू तो करूंगी मैं, खत्म करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, बट अनअकैडमी पे करवाऊंगी, क्योंकि और हम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। ओके, सो अनअकैडमी अंडरस्कोर ऋतु शर्मा गाइस, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, अभी मेरे साथ जुड़ जाना, यहाँ पे 12 मिनट्स 12 क्वेश्चन वाली जो सीरीज होगी, तो बिल्कुल भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी इंटैक्टेड, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ऋतु YT, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।